हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी, टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेन्स 2024 स्टार्टिंग फ्रॉम 17 सितंबर, अपराजिता विद्याकुंज, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट, दरभंगा। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। शहर दरभंगा से थोड़ी ही दूर पर लीजिए आउटिंग का मजा, स्पार्कीज रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, स्वीट्स एंड बेकरी विद किड्स प्लेटोरियम, सीसो चौक से पहले, मब्बी कमतौल रोड, दरभंगा। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज, दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें लहरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर दरभंगा से है, जहां उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच की कुव्यवस्थाओं की खबरें सामने आना कोई नई बात नहीं है। पर शुक्रवार को मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में आईसीयू के मरीजों का इलाज का जो वीडियो सामने आया है, उसने सरकारी व्यवस्था के साथ साथ तमाम जिम्मेवार प्रतिनिधियों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। दरअसल डीएमसीएच में आउटसोर्सिंग एजेंसी की ओर से शुक्रवार की दोपहर अचानक जनरेटर सेवा ठप कर दिए जाने से मेडिसिन और गायनी विभाग में करीब 45 मिनट तक अफरा तफरी मची रही। मेडिसिन विभाग के आईसीयू में घुप अंधेरा छा जाने से वहां इलाजरत करीब एक दर्जन गंभीर मरीजों में हाहाकार मच गया। मरीजों की गंभीर स्थिति को देख डॉक्टर और नर्सों ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उनका इलाज किया। कई महीनों से भुगतान लंबित होने को लेकर एजेंसी की ओर से जनरेटर सेवा बाधित कर गंभीर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ भी हुआ। दोपहर लगभग 12 बजे अचानक डीएमसीएच में बिजली गुम हो गई। आईसीयू के अलावा मेडिसिन और गायनी विभाग में अंधेरा छा गया। काफी देर तक जब जनरेटर सेवा नहीं दी गई तो चिकित्सक और नर्स ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में आईसीयू के मरीजों का इलाज शुरू किया। टॉर्च की रोशनी में ही उन्हें स्लाइन लगाया गया। धूप और अंधेरे के बीच टॉर्च की रोशनी के सहारे उन्हें इंजेक्शन भी दिया गया। वहीं दूसरी ओर मेडिसिन विभाग के विभिन्न वार्ड और नशा मुक्ति केंद्र में भी अंधेरा छा जाने से मरीजों को स्लाइन और इंजेक्शन लगाने में काफी परेशानी हुई। गायनी विभाग में भी जनरेटर की आपूर्ति ठप किए जाने से मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। यह महज संयोग था कि इस दौरान वहां ऑपरेशन नहीं हो रहा था। बिजली आने के बाद चिकित्सकों और मरीजों ने आखिरकार और राहत की सांस ली। 20 मिनट सुबह से ही आती है जाती, अभी आधा घंटा से लाइन कटा हुआ है, एकदम बहुत देर से लाइन कटा हुआ है। डीएमसीएच आईसीयू वार्ड, गर्मी लग रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रहा है, हर चीज में परेशानी हो रहा है।